वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को आने वाली गणेश चतुर्थी की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं गणेश जी को खाने में बहुत ही पसंद आने वाली मोदक की रेसिपी। तो यहां मैं आपको दो रेसिपी बताने वाली हूं मोदक की, एक है फ्राइड मोदक और एक है चावल आटे से बने हुए स्टीम मोदक, जिसे मराठी में उकड़ीचे मोदक भी कहा जाता है। तो एक ही भरावन मतलब एक ही फीलिंग से आप दो टाइप के मोदक बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी एक क्विक रेसिपी और गणेश जी को मोदक क्यों पसंद है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो इसके तो बहुत सारी कहानियां हैं कि भगवान गणेश को मोदक क्यों पसंद है, पर एक कहानी जो मुझे बहुत ही पसंद है वो है भगवान शंकर पार्वती जी और गणेश जी के साथ जंगल में घूमने जाते हैं। तो रेसिपी में आप साथ साथ ये स्टोरी भी सुनते जाइएगा। पैन को रखिए आप लो फ्लेम में और उसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच घी के। तो शंकर भगवान जी पहुंचते हैं अनसुईया के घर क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है। तो जब घी गर्म हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच खसखस और आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जले ना और इसे हल्का सा आप गोल्डन ब्राउन कर लें। तो जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए आप उसमें डाल दीजिए 8 से 10 बारीक कटा हुआ बादाम और 10 से 12 बारीक कटे हुए काजू के। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी का कोई सा भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो भी ये लड्डू आप बना सकते हैं। तो आते हैं अब कहानी पर। तो माता अनसुईया कहती हैं, प्रभु पहले मैं गणेश जी को खाना दे देती हूँ और उनके खाने के बाद ही आपके लिए खाना परसती हूँ। और आ जाते हैं हम रेसिपी पे। तो यहाँ पर आप 2 कप बारीक पिसा हुआ नारियल यूज करिएगा। तो यहाँ पर आप फ्रेश जो नारियल होता है वही यूज करिएगा। तो मेरे पास जो कद्दूकस करने वाला था वो काफी बड़े साइज का था, इसलिए यहाँ पर वो इतना फाइन कद्दूकस नहीं हुआ है, पर आप जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक यूज करिएगा। तो आ जाते हैं हम कहानी पर। तो माता अनसुईया ने गणेश जी को सारे प्रकार के व्यंजन परसे, पर गणेश जी की भूख ही खत्म नहीं हुई। तो फिर से आ जाते हैं एक बार रेसिपी पे। तो नारियल को 5 से 6 मिनट चलाने के बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 कप गुड़ या फिर शक्कर। अगर आपके पास गुड़ हो तो यहाँ पर आप गुड़ ही यूज करिएगा क्योंकि जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें गुड़ ही यूज किया जाता है। भगवान गणेश जी को गुड़ बहुत ही पसंद है। तो आप गुड़ को अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लीजिए ताकि गुड़ थोड़ा थोड़ा सा पिघलना स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर। तो अगर आपके पास घर पे जायफल है तो आप ये जरूर डालिएगा। तो यहाँ पर आप करीबन 1 चुटकी जायफल का पाउडर डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे क्रश कर सकते हैं और धीरे धीरे जो गुड़ है वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप उसमें डाल सकते हैं 1 चुटकी नमक। तो कोई भी मीठी चीज में अगर हम 1 चुटकी नमक डाल दें तो उसका फ्लेवर बहुत ही इनहेंस हो जाता है रेसिपी में। तो माता अनसुईया ने जब गणेश जी को खाना परसा तो गणेश जी ने पूरा खाना खत्म कर दिया। तो माता पार्वती और अनसुईया जी तो बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि अब शंकर जी को क्या खाना परसा जाएगा, और गणेश जी की भूख तो खत्म ही नहीं हो रही थी, वो और खाना मांगते जा रहे थे। तो रेसिपी में आते हैं, जब गुड़ पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाए आप गैस को इमिडिएटली बंद कर लीजिएगा और उसे एक प्लेट में डालकर रूम टेम्परेचर में ही ठंडा होने दीजिएगा। तो माता अनसुईया ने गणेश जी को एक मीठा खाने को दिया जिसके कारण गणेश जी ने एक लंबी डकार ली और उसके बाद ही शंकर जी ने 21 डकार ली, मतलब गणेश जी और शंकर जी का पेट उसी वक्त भर गया। तो रेसिपी में आते हैं, आप एक बाउल में 1/2 कप मैदा लीजिएगा और 1/2 ही कप गेहूं का आटा लीजिएगा। स्वाद के अनुसार आप उसमें डाल दीजिए नमक और नमक को अच्छे से उसके साथ मिक्स कर लीजिएगा। और आप 2 चम्मच घी को किसी भी पैन में या छोटे इस तरीके के चम्मच में गरम कर लीजिएगा। तो घी बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए और गर्मा गर्म घी आप डाल दीजिएगा आटे में और इसे इमीडिएटली आप मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो आटा है वो जलने ना लग जाए। तो आते हैं हम अपनी कहानी पे। तो माता पार्वती को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या खाया गणेश जी ने जिससे दोनों का पेट भर गया। तो वो माता अनसुईया से पूछती हैं कि आपने ऐसा क्या खिलाया गणेश जी को। तो माता अनसुईया बताती हैं कि उन्होंने गणेश जी को खाने में दिया था मोदक।
तो आते हैं अब हम रेसिपी पे। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके का आपको यहाँ पर सॉफ्ट आटा लगाना है। तो माता पार्वती की ये इच्छा होती है कि जो भी गणेश जी के भक्त हैं वो उनको प्रसाद में जब तक मोदक नहीं चढ़ाएंगे उनका वो प्रसाद अधूरा ही माना जाएगा। और तब से ही देश के अलग अलग हिस्सों में गणेश जी को अलग अलग तरीकों का मोदक प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो आटे को 10 मिनट ढक कर रखने के कारण इसमें बहुत ही अच्छा ग्लूटेन रिलीज होता है, तो इससे जो मोदक है वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, कहीं से फटेंगे नहीं। तो आप नींबू के साइज का यहाँ पर छोटा सा आटा ले लीजिएगा और बस जिस तरीके से हम पूरियां बेलते हैं आप उसी प्रकार से पूरी बेल सकते हैं। तो मोदक आप अपने मर्जी का कितने भी बड़े साइज का बना सकते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा पतला बेलिएगा। तो मैं आपको दो तरीका यहाँ पर बताती हूँ जिसमें आप ये जो पोटली बनती है मोदक की आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चार दिशा में आप चार इस तरीके से इसमें आप प्रेस करिएगा तो ये बन गई एक छोटा, और अगर आप चाहें तो इसमें बीच में भी एक एक इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद आप भरावन का जो हमने बनाया हुआ है नारियल गुड़ और ड्राई फ्रूट्स खसखस का वो आप इसमें भर दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा आप इसमें मत भरिएगा नहीं तो ये फटने के इसके चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो बस नीचे से आप इसे हल्का हल्का राउंड घुमाइएगा और ऊपर से इसको हल्के हाथों से खींचते जाइएगा कुछ इस तरीके से। देखिए बन गया एक हमारा प्यारा सा मोदक। तो अगर आपको लगता है ये ऊपर का आपको एक्स्ट्रा निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं, और अगर आपको ये मेथड बहुत ही ज़्यादा टफ लगा तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। तो इसमें आप भरावन बीच में इस तरीके से भर लीजिएगा और कुछ इस तरीके से आप इसको पकड़ के ऐसा एक आसानी से छोटा सा पोटली जैसे बना लीजिएगा और एक और मोदक बनकर रेडी हो चुका है। तो कढ़ाई में आप तेल रखिएगा इसे डीप फ्राई करने के लिए। तो तेल को आप मीडियम फ्लेम में रखिएगा, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखिए अगर वो ऊपर आ रहा है इसका मतलब कि जो तेल है वो एकदम रेडी है। तो इसमें आप डाल दीजिएगा मोदक, तो एक साथ आप बहुत सारे मोदक मत डालिएगा। तो अभी ये जो बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब जो मोदक है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो आप तेल को कुछ इस तरीके से ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो आप मोदक को पलटते हुए उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही तेज आंच पर मोदक मत तलिएगा नहीं तो ये बाहर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये मोदक बनकर अब रेडी हो चुके हैं, बबल्स आना बंद हो चुके हैं, मतलब जो मोदक है वो अच्छे से पक चुका है। तो आप गणेश जी को 5, 11 या 21 मोदक का प्रसाद चढ़ाइएगा। तो ये जो मोदक है ये बहुत ही अच्छा कुरकुरा है और अंदर से सॉफ्ट है। आते हैं अब हम दूसरे रेसिपी पे। तो इस रेसिपी में चावल का आटा लेते वक्त आप ये याद रखिएगा कि चावल का आटा बहुत ही ज़्यादा फाइन पिसा हुआ होना चाहिए। तो आप एक बड़े से बर्तन पे ले लीजिएगा 1.5 कप पानी, गैस को आप मीडियम ही रखिएगा और फिर उसमें आप डाल दीजिए 1/2 कप दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच घी जिससे जो मोदक है वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। और फिर इसमें आप डाल दीजिए 2 चुटकी नमक के। तो नमक आप चाहे तो चावल आटा के साथ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे हमें अच्छे से एक उबाल लाना है। तो जब इसमें उबाल आने लग जाए आप उसमें डाल दीजिए 2 कप फाइन पिसा हुआ चावल का आटा। ये देखिए ये कुछ गेहूं के आटे जितना ही बारीक पिसा हुआ है। तो ये आजकल आसानी से शॉप में मिल जाते हैं। तो इसे आप डालते हुए अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो चावल के आटे को हमें अच्छे से ये पानी और दूध के साथ पकाना है। तो आप चाहें तो एक साथ भी आटा डाल सकते हैं या मेरे जैसे धीरे धीरे करके भी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसा डालना प्रिफर करती हूँ और इसको आपको लगातार चलाना है ताकि चावल का आटा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप इसे एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट ढककर रख दें ताकि ये अच्छे से पक जाए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए ये जो चावल का आटा है वो पक चुका है। पर इसको अगर हम इस वक्त बेलेंगे तो ये बिल्कुल भी इसकी रोटियां नहीं बनेंगी मोदक के लिए। तो इसे हमें एक प्लेट में या जो प्लेन सरफेस होता है उसमें निकाल लेना है। तो मेरे पास बहुत बड़ी प्लेट नहीं थी
जैसे हम परात या कुछ घर पे यूज़ करते हैं या फिर किचन का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार प्लेट में आधा निकाला है और फिर उसमें आप डाल दीजिए एक चम्मच घी ताकि इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा बने। तो आप यहाँ पर इस कटोरी या ग्लास का यूज़ करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और अगर आपको मेरे जैसे आदत है तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, पर ये बहुत ही गर्म होता है तो आप बहुत ही केयरफुल यहाँ कटोरी या ग्लास का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पर आपको इसे बहुत ही अच्छे से मसलना है ताकि इसका एक सॉफ्ट डो बन सके, एक आटा हमारा गूंथ के रेडी हो सके। तो अगर ऐसा हो कि जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो आपका, तो आप उसमें थोड़ा सा कुनकुना पानी डालिएगा। याद रखिएगा, ठंडा पानी आप बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो यहाँ जो चावल का आटा है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मसलना है, क्योंकि चावल की रोटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम इसे अच्छे से मसलेंगे और उसमें घी भी डालेंगे, एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट आटा बनकर रेडी हो जाएगा। तो मुझे ये अच्छे तरीके से गूंथने में 10 से 15 मिनट लगे हैं, और ये देखिए आटा गूंथ कर रेडी हो चुका है। तो इसे आप गीले कपड़े से ढक दें ताकि ये सूखे बिल्कुल ना। और अब बारी आती है मोदक बनाने की। तो सेम आप नींबू के साइज का यहाँ पर आटा ले लीजिएगा। तो आटे को आप गीले कपड़े में ढक के ही रखिएगा ताकि वो ड्राई ना हो। तो फ्राइड वाले मोदक में मैंने जिस तरीके से मोदक बनाया है आप वैसा भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। तो सूखा चावल का आटा आप छिड़क लीजिएगा ताकि ये बेलन से चिपके ना, और पूरी के साइज का आप बेल लीजिएगा। बीच में डाल दीजिए आप भरावन। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंगूठे से आप कुछ इस तरीके से इसमें फोल्ड करिए, और राइट हैंड साइड के इंडेक्स से आप इसे दबाते चले जाइए। और ये देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान है। तो मोदक आप नीचे से प्रेस बिल्कुल भी मत करिएगा, बस इसे ऊपर की साइड से आप पकड़ते जाइए, गोल घुमाते जाइए इसे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, और एक और मोदक बनकर रेडी हो चुका है। पर ये मोदक आप अभी खा नहीं सकते हैं और ना ही भोग में लगा सकते हैं, तो इसे पकाना कैसे है चलिए देखते हैं। तो जब सारे मोदक बनकर रेडी हो जाए, आप उसमें दूध में भीगा हुआ केसर डाल दें। तो अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे भी पका सकते हैं। केसर डालने से इसमें केसर का फ्लेवर और कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब इसे हमें पकाना है भाप में। तो यहाँ मेरे पास जो घर में था वो था इडली का बर्तन, तो आप चाहे तो ये ले सकते हैं, ये जो नॉर्मली स्टीमर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप अच्छे से लगा दें घी, या फिर ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसमें इसे केले के पत्ते पे रखा जाता है ताकि उसमें केले के पत्ते का भी अच्छे से फ्लेवर आए। तो यहाँ मैंने इडली का जो नीचे वाला प्लेट है वो खाली रखा है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना आए स्टीम में पकाते वक्त। तो कुकर में आप पानी रखिए और यहाँ पर रख दीजिए मोदक का बर्तन, और इसे स्टीम में आप 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने दें। तो पता कैसे चले कि मोदक पक गए हैं? आप इसे टच करके देखिएगा, अगर ये आपके हाथों में नहीं चिपक रहे हैं इसका मतलब कि मोदक अच्छे से पक चुके हैं। अगर ये आपके हाथ में चिपक रहे हैं तो आप इसे 5 मिनट और स्टीम में पका लें। तो गणेश जी को ये मोदक गर्मा गर्म ही बहुत पसंद है, तो आप इसमें भोग लगाते वक्त डाल दें ऊपर से घी। तो घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो दोनों मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं और भोग लगाने के लिए बिल्कुल है तैयार। तो कैसी लगी आपको मोदक की ये रेसिपीज, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।